कौन हो तुम? मैं अरसलान की वाइफ हूँ। संभल के। अरसलान, कितने दिनों से तुम्हें कॉल्स कर रही हूं लेकिन तुम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए घर आ गई हूं। अरसलान, ये कौन है? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ऊपर कमरे में चलो, मैं आता हूं अभी। कोई नहीं है, तुम जाओ। क्या मतलब कोई नहीं है? बताओ उसको कि मैं वाइफ हूं तुम्हारी। अरसलान, ये क्या कह रही है? आयशा, तुम ना कमरे में जाओ, मैं आके तुम्हें सब एक्सप्लेन। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बात का जवाब दे। क्या कह रही है? ये आपकी बीवी है? बोलिए। अरसलान कौन है? ये कौन हो तुम? मैं अरसलान की वाइफ हूँ। तुमने दूसरी शादी कर ली? देखो आयशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाके। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अरसलान, पहले मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना। इसे निकलो मेरे घर से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसे निकालो यहाँ से। मेरे होते हुए ये मत लगाना। छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाना, ये गलती मत करना। आयशा, तुम कमरे में। छोड़ो मुझे। सलान, तुमने दूसरी शादी कर ली? अरसलान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो तो मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं छोड़ कर गई थी, तुम्हें दूसरी शादी की परमिशन नहीं दी थी मैंने। हमारे दरमियान कोई डाइवोर्स तो नहीं हुई थी अरसलान? माम, इन सब बातों का कोई जवाब नहीं। छोड़ के जाने का फैसला सिर्फ तुम्हारा था, मेरा नहीं। अपना करियर बनाना था ना तुम्हें, तो जाओ बनाओ अपना करियर। यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ अरसलान, तुमसे मिलने के लिए। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। पिछले 2 हफ्ते से मैं यहाँ पाकिस्तान आई हुई हूँ। पागलों की तरह तुम्हें फोन पे फोन कर रही हूँ और तुमने मेरी एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया तुम्हारी किसी भी कॉल का मैंने जवाब, क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू टू लीव। जहां तक रहेगी बात डिवोर्स की तो वो भी बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगी। तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं करे अरसलान। जो तुमने मेरे साथ किया ना माम, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम ऐसे करके मुझे यहां पर आने से रोक लोगे? मैं बार बार आऊंगी यहां क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत तुमसे? जिस मोहब्बत की तुम बात कर रही हो ना मां, वो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने इस घर की दहलीज पार की थी। So now, get out. Salaam, Arsalaam.